हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। ये वीडियो का लास्ट लेक्चर रहेगा। टॉपिक का मोड ऑफ एंट्री इंटरनेशनल बिजनेस। मैं ऑलरेडी ट्रेड मोड आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, आपसे ऑलरेडी मैं कॉन्ट्रैक्चुअल मोड डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे हमारे इन्वेस्टमेंट मोड, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट मोड में यानी कि आप किस तरीके से दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपेंड करते हो, वो आपका इन्वेस्टमेंट मोड में रहेगा। ये थर्ड मीडियम है आपका इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने का, कि जब आप यहाँ पर अपना पैसा लगा रहे हो, अपना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू दूसरी कंट्री में अपने पैर पसार रहे हो, आप कह सकते हैं अपना बिजनेस फैला रहे हो, ठीक है। तो आपका किसमें आएगा? इन्वेस्टमेंट मोड में आएगा। फर्स्ट आपका आता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन स्ट्रेटजी है फॉरेन मार्केट्स में एंटर करने की। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है कि जब आप एक फर्म को एस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन फर्म को जब आप एस्टेब्लिश कर रहे हो तो यहाँ पर आप दो या दो से ज़्यादा फर्म आपस में मिल रही है, यहाँ पर आ गई ना बात। जॉइंट वेंचर मीन्स एस्टेब्लिशिंग अ फर्म दैट इज जॉइंटली ओन्ड बाय टू और मोर अदरवाइज इंडिपेंडेंट फर्म्स। यानी दो या दो से ज़्यादा फर्म जब आपस में मिल जाती है एक कॉमन पर्पस को पूरा करने के लिए, और जिस पर्पस के लिए वो फर्म एस्टेब्लिश करती है वो आपकी क्या होती है? जॉइंट वेंचर होती है, ठीक है। इन द वाइडेस्ट सेंस ऑफ द टर्म इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज एनी फॉर्म ऑफ एसोसिएशन विच इम्प्लाइज कोलेबोरेशन फॉर मोर देन अ ट्रांजिटरी पीरियड। यानी यहाँ पर क्या बात आ जाएगा, इसको हम एक वाइडर टर्म में बात करें तो जॉइंट वेंचर्स का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा फर्म कुछ कॉमन पीरियड के लिए या कुछ एक अपना पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कोलैब करती है, कोलैबोरेट होती है, उसे आप क्या कहेंगे? जॉइंट वेंचर कहेंगे। आप जॉइंट ओनरशिप वेंचर तीन तरीके से ले सकते हैं। या तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो लोकल कंपनी में कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है, अपने फेवर में, या फिर कोई लोकल फर्म किसी एग्जिस्टिंग फॉरेन फर्म को क्या कर रही है? एक्वायर कर रही है। या फिर फॉरेन कंपनीज या फिर फॉरेन के लोग या फॉरेन कंपनीज मिल रही है, या फिर लोकल एंटरप्रेनर्स, यानी जब दूसरी कंट्री के लोग और जब अपनी इंडिया के लोग दोनों आपस में मिलकर एक नई एंटरप्राइज बना रहे हैं, तो ये भी एक तीसरा तरीका है जॉइंट वेंचर में आने का। यानी ये तीन तरीके हो सकते हैं जॉइंट वेंचर में आने के, कि या तो आप दूसरे कंट्री में जाकर वहाँ के फॉरेन कंपनी में अपना कुछ पैसा लगा रहे हैं, कुछ मिलकर काम कर रहे हैं, या फॉरेन के लोग अपने इंडिया में आकर कुछ काम कर रहे हैं और आप दोनों मिलकर कुछ नया सेटअप कर रहे हैं। ये तीन तरीके हो सकते हैं जॉइंट वेंचर। फिर आपका आता है होली ओन्ड सब्सिडरी। ये जो एंट्री मोड है इंटरनेशनल बिजनेस का, ये कौन सी कंपनीज प्रेफर करती है? जो अपना पूरा कंट्रोल करना चाहती है ओवरसीज ऑपरेशंस पर। यानी होली ओन सब्सिडरीज का मतलब ये वही कंपनीज प्रेफर करती है होली ओन सब्सिडरीज, या ये जो मोड है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने का, जो पूरा अपना कंट्रोल बनाना चाहती है, पूरा अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहती है जो बाहर क्रॉस बॉर्डर कंपनीज है उस पर। यहाँ पर जो पेरेंट कंपनी होती है वो पूरा का पूरा कंट्रोल क्या कर लेगी? एक्वायर कर लेगी फॉरेन कंपनी पे। और ये कंट्रोल में कैसे एक्वायर कर सकती है? जब वे वहाँ पर, यानी अगर हमारी इंडिया की कंपनी फॉरेन कंट्री में जाकर वहाँ की किसी कंपनी पर अपना पूरा कंट्रोल रखना चाहती है, 100% कंट्रोल रखना चाहती है, तो हमारी इंडिया क्या करेगी? हमारी इंडिया की कंपनी उनके इक्विटीज़ में 100% क्या करेगी? अपना इन्वेस्टमेंट करेगी। तो इस तरीके से जब भी हमारी इंडिया की कंपनी इक्विटीज़ में 100% इन्वेस्ट करेगी फॉरेन कंपनी में, तो वो अपना पूरा कंट्रोल क्या कर लेगी? एस्टेब्लिश कर लेगी उस क्रॉस बॉर्डर कंपनी पे। ऐसे ही फॉरेन कंपनी हमारे इंडिया में आके इक्विटीज़ इंडिया की कंपनी में इक्विटीज़ में पैसा लगाकर हमारी इंडिया की कंपनी पे कंट्रोल सेटअप कर सकती है, उसे हम क्या कहेंगे? होली ओन्ड सब्सिडरी। नाम से ही क्लियर है, होली ओन्ड यानी आप अपना पूरा कंट्रोल क्रॉस बॉर्डर कंपनीज पे सेटअप करना चाहते हैं। अब यहाँ पर दो कंपनीज आपको देखने को मिलेगी, पेरेंट और सब्सिडरी। पेरेंट कंपनी वो होती है जो अपना पूरा कंट्रोल रखना चाहती है दूसरी कंपनी पे, और जिस कंपनी पे वो अपना कंट्रोल रखेगी वो कंपनी होगी सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। अब हम होली ओन सब्सिडरीज दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, आपने कोई नई फर्म क्या करी है? सेटअप करी है, ठीक है, फॉरेन कंट्री में, ठीक है, आपने कोई नई फर्म मिलकर सेटअप करी है और अपनी ऑपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं फॉरेन कंट्री के अंदर, जिसे हम ग्रीन फील्ड वेंचर भी कहते हैं। ये पहला तरीका है होली ओन सब्सिडरी का। एंड सेकंड वन इज कि आपने फॉरेन कंट्री में, आपने किसी फॉरेन कंट्री में कोई वेल सेटल्ड फर्म थी, एस्टेब्लिश्ड फर्म थी, आपने उसको क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया।
ये दूसरा तरीका है होली ओन्ड सब्सिडियरी का, ठीक है। फिर आपका जो थर्ड तरीका है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने का, दैट इज ग्रीन फील्ड स्ट्रेटजी, कि आप अपने ऑपरेशंस को, अपनी एक्टिविटीज़ को फॉरेन मार्केट में जीरो लेवल से, आप अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने बिजनेस को फॉरेन मार्केट में एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं अपने बिजनेस को बिल्कुल स्क्रैच से, आप बिल्कुल जीरो लेवल से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेन मार्केट में, उसे आप क्या कहेंगे, ग्रीन फील्ड स्ट्रेटजी कहेंगे। इसमें आप मान लीजिए हमारी कोई इंडिया की कंपनी है, फॉर एग्जांपल रिलायंस वाले हैं, वे जा रहे हैं अमेरिका में, और अमेरिका में वे बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से वहाँ पर फॉरेन मार्केट में अपना काम सेटअप करना चाहते हैं, अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। तो वे क्या करेंगे, बिल्कुल अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो फॉरेन कंपनीज में वे जाएंगे, वहाँ की लोकल प्रॉपर्टी को परचेज तो करेंगे, कोई ना कोई लैंड में तो चाहिए अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए, ठीक है। वहाँ की लेबर भी तो चाहिए, वहाँ की हमें रिसोर्स की, कोई ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये किसमें आएगा, आपका ग्रीन फील्ड स्ट्रेटजी में आएगा। इसमें आपको कोई भी रिस्क नहीं होता कि आप अपने टेक्निकल नॉलेज को लूज कर देंगे कंप्लीट रहेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से, स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपका पूरा अपना खुद का कंट्रोल होगा अपने ऑपरेशंस पर, अपनी एक्टिविटीज़ पर, आप नई नई जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं वहाँ की लोकल मार्केट में। अगर आप फॉरेन कंट्री में अपना बिजनेस बना रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, तो जब वहाँ पर बिजनेस सेटअप करेंगे अपना, तो आप वहाँ के लोगों के लिए क्या क्रिएट करेंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती है, कंपनी खड़ा करना बच्चों का खेल नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, बहुत आपका टाइम चाहिए, बहुत आपका हार्डवर्क चाहिए, ठीक है। ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है किसी बिजनेस को खड़ा करना, बिल्कुल, क्योंकि आप स्क्रैच से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आप चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा ये आपके लिए। इसमें आपको काफ़ी रिसर्च वर्क भी करना होगा कि हमें कहाँ पर सेटअप करना है, किस चीज़ में सेटअप करना है, कौन सा हमारे लिए प्रॉफिटेबल लाइन होगा, ठीक है। इसमें आपको कई बार एक्स्ट्रा कॉस्ट भी बियर करनी पड़ सकती है, आपका ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, ठीक है, क्योंकि जो मार्केट है वह आपके लिए भी फिलहाल अनस्टेबल है। मैंने एक टॉपिक कराया था आपको इंटरनेशनल बिजनेस रिस्क का, कि अगर आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपेंड करते हो तो आप काफ़ी सारे रिस्क को साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप उसको ज़रूर देखिएगा, वो मैंने एक स्टूडेंट की डिमांड पर बनाई थी वीडियो, ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ईजी टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका। तो जब आप बिल्कुल स्क्रैच से किसी दूसरे कंट्री के अंदर कुछ खड़ा करना चाहते हैं, कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस टाइम आपकी जो मार्केट रहेंगी बहुत अनस्टेबल रहेंगी, आपको काफ़ी सारे रिस्क उठाने पड़ सकते हैं, ठीक है। ये सारा आपका किसमें रहेगा, ग्रीन फील्ड स्ट्रेटजी में रहेगा। ये तीसरा तरीका था अपने इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने का। तो हमने तीन इन्वेस्टमेंट मोड पढ़े, जॉइंट वेंचर्स के थ्रू आप दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, आप होली ओन्ड सब्सिडरीज के थ्रू आप दूसरी कंट्री में आप एंटर कर सकते हैं, एंड आप ग्रीन फील्ड स्ट्रेटजी के थ्रू भी इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। तो ये हमने तीन तरीके पढ़े इन्वेस्टमेंट मोड के अंदर। सो गाइज, ये मेरा जो है ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टारगेट जेरन बाय रूपी गोल, यानी आप मेरे थ्रू अपने नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर डेली क्विजेस होती है, और ये जो मैंने तीन लेक्चर्स दिए हैं मोड्स ऑफ एंट्री टू इंटरनेशनल बिजनेस पे, इसकी मैंने पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड ऑलरेडी कर दी है। ये जो है ये वाला जो ग्रुप है, ये सीडेट एंड एस्टेट एस्पिरेंट्स के लिए ग्रुप है, एंड मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें 11th क्लास के बच्चे सारे ऐड हैं इकोनॉमिक्स के, जिनको फ्री क्लासेस मिलती है। तो आप सभी चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। सो अगर आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा, जो कि फाइनल लेक्चर था मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस का, तो आप अपना लाइक ज़रूर दीजिएगा, मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिए, एंड कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।